ठहर जाओ, थम जाओ। नाना प्रकार के ध्यान करने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ ना? ध्यान की गहराइयों को छुआ? ध्यान से कुछ आनंद पैदा हुआ? नहीं। और जब ध्यान करके भी आनंद पैदा नहीं होता तो हम सोच लेते हैं कि ध्यान तो मिथ्या है, ध्यान में कुछ नहीं है, ध्यान से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन इतने महापुरुषों ने ध्यान की व्याख्या की है, ध्यान के बारे में लोगों को ज्ञान दिया है और बताया है कि जीवन के सत्य को जान पाने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। तो कहीं ना कहीं ध्यान में सच्चाई तो बसती है, वो बात अलग है कि हम उसे पहचान नहीं पाते या ध्यान की गहराइयों में जा नहीं पाते, लेकिन उसका कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी आदतें हमारे विचार का रूप लेकर ध्यान की गहराइयों में जाने से हमें रोक देती है। अगर आप गहरे ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं तो जो आदतें मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर वो आप छोड़ देते हैं, आप त्याग देते हैं, तो आप ध्यान में आसानी से उतर पाएंगे। और अगर एक बार आप ध्यान में उतर गए तो बस फिर आनंद ही आनंद, मन में शांति ही शांति। आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो ध्यान में रुकावट पैदा करती है, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध नगर नगर घूमकर ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी काम के लिए उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा देकर और ज्ञान देकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था, जो बुद्ध की तरह ही अलग अलग नगरों में उनकी सीख, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु उत्तर भारत के गांव में आया हुआ था। वहां पर रहकर वो गांव वालों को ध्यान की शिक्षा दीक्षा दिया करता था और वहीं से भिक्षा मांग कर खाया करता था। वो नित्य सुबह और शाम गांव के लोगों को बुलाकर ज्ञान के ऊपर उपदेश और ध्यान की प्रक्रियाएं कराता था। ऐसे ही एक दिन चंद्र नाम का युवक अपने बहुत सारे मित्रों के साथ वहां पर ध्यान करने के लिए आता है, लेकिन 10 दिन तक ध्यान लगाने के बाद भी उसके अंदर कोई आनंद पैदा नहीं हुआ। इससे उसका मन ध्यान से हटने लगा। लेकिन चंद्र बहुत ही दृढ़ संकल्पी आदमी था, वो कैसे भी करके ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए एक दिन संध्या समय उसने उस बौद्ध भिक्षु से एक सवाल पूछा। चंद्र ने कहा कि गुरुदेव, आप हमें ये तो बताते हैं कि ध्यान करने के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए, आप हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं ध्यान में नहीं उतर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे वो आदतें, वो चीजें बताने की कृपा करेंगे जो मुझे ध्यान के लिए अपने जीवन से हटा देनी चाहिए, मतलब वो आदतें जो मुझे ध्यान में गहरे उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि अक्सर इंसान को लगता है कि मैं 1 घंटे ध्यान में बैठूंगा और ध्यान में बहुत गहरा उतर जाऊंगा, और वो जब 1 घंटे ध्यान करता है तो उसे कुछ गहराइयां हासिल नहीं होती। अब समझने की बात ये है कि ध्यान कोई खेल, कोई काम नहीं है जो आपको 1 घंटे ही करना है। ध्यान जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका है। इसीलिए जीवन के हर कार्य में ध्यान का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आप 1 घंटे के ध्यान में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अक्सर लोग ध्यान की एक दिनचर्या बना लेते हैं, वो सुबह और शाम रोज ध्यान करते हैं, लेकिन वो ध्यान तभी कारगर होगा जब आप दिन में काम करते वक्त, उठते बैठते, खाते पीते वक्त भी ध्यान के बारे में समझते रहते हैं, और उसी जीवन शैली के कारण आपका वो 1 घंटे का ध्यान गहरा बनेगा। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम कुछ आदतें, कुछ निरर्थक बातें अपने जीवन से हटा दो तो भी तुम्हें ध्यान की गहराइयों में उतरने में आसानी होगी, लेकिन वो आदतें हैं क्या? और अगर ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए तो उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? इस बात का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सबसे पहले याद रखो कि हमारी इंद्रियां ही ज्ञान की ग्रहणशील होती हैं।
हम कोई भी अच्छा या बुरा ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं और इसी तरह से और सारी इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये बात यहाँ पर समझने की होती है कि हमारी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही हैं। हमें सचेत होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं, हमारे कान क्या सुन रहे हैं और जो हम देखते और सुनते हैं ज्यादातर वही विचार हमारे ध्यान में घूमकर वापस लौट आते हैं जिससे हम ध्यान में नहीं उतर पाते। अगर हम अपनी 5 इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं, हम अपनी जीभ से कैसा स्वाद ले रहे हैं, हमारी त्वचा पे किसी का स्पर्श हमें कैसा अनुभव देता है और हम अपने नाक से कैसी सुगंध ले रहे हैं, अगर हम इन सब इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम निरर्थक ज्ञान को अपनी इंद्रियों के दूर से ही बाहर भेज सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम सचेत रहेंगे। जैसे कि हमें किसी ने गाली दी, हमें पता है कि हमारे कानों ने गाली सुनी लेकिन हमने वो ली ही नहीं, हमने वो अपने अंदर जाने ही नहीं दी। और वही कान जब ज्ञान का उपदेश सुनते हैं तो वो पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरे सचेत होकर पूरे होश में वो पूरा ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से और सब इंद्रियां हमें अलग अलग अनुभूति देती हैं, जैसे कि किसी वेश्या का स्पर्श और एक माता का स्पर्श, दोनों के स्पर्श में बहुत अंतर होगा लेकिन अगर हम सचेत होंगे तो दोनों के स्पर्श को हम अलग अलग तरीके से अनुभव कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि किस स्पर्श के कारण हमारा मन अशांत होता है। और दूसरी आदत जो एक नवयुवक या कहें कि जो आदमी नया नया ध्यान करने लगा है उसकी प्रक्रिया में बाधा बनती है वो है संयम। हर इंसान, हर आदमी सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहता है और ये ध्यान के संबंध में भी सच हो जाता है। जब आदमी ध्यान करता है तो सोचता तो वो है कि मैं 1 घंटे तक ध्यान करूंगा लेकिन वो 5 मिनट के अंदर ही ज्ञान की गहराइयों में जाना चाहता है। लेकिन ध्यान तो ठहराव है, ध्यान तो रुक जाना है, ध्यान तो ठहर जाना है, थम जाना है। जरा सोचिए, क्या जल्दबाजी करके हम ठहर सकते हैं? क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, जल्दबाजी थम जाना? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप कभी ठहर नहीं सकते और अगर आप ठहर जाते हैं तो आप कभी जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान में गहरे उतरने के भाव को, ध्यान से कुछ हासिल करने के विचार को, उस सोच को त्याग दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वही विचार, वही अनुभूति तुम्हें ध्यान की गहराइयों में ले जाने से रोक देगी। कुछ हासिल करने की सोच लेकर यहाँ पर कुछ हासिल नहीं होता, खाली हाथ लौट जाओगे और बाद में पछताओगे कि मैंने तो मेहनत की और ध्यान से कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि तुम कुछ पाने के मकसद से गए थे इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। और जिस दिन तुम कुछ पाने के मकसद से नहीं बल्कि कुछ देने के मकसद से ध्यान करोगे तो तुम ध्यान की गहराइयों को छू पाओगे, तो तुम्हें अनुभूति होगी कि ध्यान क्या है और ध्यान का आनंद क्या है। इसीलिए संयम रखो, सब्र रखो। सब्र के फल हमेशा मीठे होते हैं, ये हमने सुना तो है लेकिन कभी अमल नहीं किया। लेकिन अगर जीवन के आनंद को अनुभव करना है तो संयम और सब्र ये आपको अपनाना होगा और जल्दबाजी की आदत छोड़नी होगी। कोई भी काम करें, कुछ भी करें, आराम से, शांत भाव से, कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जल्दबाजी करने से या संयम रखने से उस काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम तो फिर भी पूरा होगा, हो सकता है उसमें वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाए लेकिन वो वक्त ही आपके लिए ध्यान का रूप बन जाएगा। इसीलिए संयम रखें, सब्र रखें और सब्र से ही हर काम करें। तीसरी आदत जो आदमी को ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए छोड़ देनी चाहिए वो है कि ज्यादा लोगों से दोस्ती। जी हाँ, आपको सुनने में ये अजीब लगता होगा, आपको तो लगता होगा कि ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करने से हमारा वर्चस्व फैलेगा, लोग हमें जानेंगे। लेकिन ध्यान के संबंध में ये आदत आपके रास्ते में बाधा बन सकती है। अब सोचिए
ज्यादा लोगों से दोस्ती कैसे बाधा बन सकती है? जब आप ज्यादा लोगों से दोस्ती रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने एकांत का आनंद नहीं उठा पा रहे। आपको खुश रहने के लिए, जोश में रहने के लिए और लोगों की सहायता चाहिए होती है, और इसीलिए आपने बहुत से लोगों से दोस्ती बना रखी है। लेकिन वो दोस्त या वो दोस्ती आपको अपने एकांत तक नहीं पहुंचा सकती, आपको अपने आनंद तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो दोस्ती आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही मैं अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लूं और अपने एकांत की तरफ यात्रा शुरू करूं। और इस संबंध में एक और समस्या पैदा होती है, तो हमें ज्यादा समय उनके साथ बिताना पड़ता है, उनको खुश करने के लिए तरह तरह का अभिनय करना पड़ता है। और यही बात लागू होती है ज्यादा प्रेम संबंधों में। जो आदमी बहुत ज्यादा प्रेम संबंध रखता है, मतलब बहुत ज्यादा औरतों के साथ संभोग करता है, उनके साथ रहता है, ऐसे आदमी के चित्त से भी शांति गायब हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग और उसका मन उसी तरह फटका रहेगा, उसी की ओर आकर्षित रहेगा। और आज नहीं तो कल जब वो ध्यान में बैठेगा तो उन्हीं के चित्र, उन्हीं दोस्तों के, उन्हीं औरतों के, वो बार बार हमारे ध्यान में घूमते रहेंगे। इसीलिए कम लोगों से दोस्ती रखो, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो ध्यान की तरफ अपनी यात्रा तय कर रहे हों, ताकि आप उनके साथ बैठें तो आपकी चर्चाएं व्यर्थ ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी के बारे में बुरा ना कहें, सिर्फ हम ध्यान के बारे में ही चर्चा करें, ताकि वो दोस्ती एक सत्संग बन जाए और उसमें हम ज्ञान की गहराइयों को छू पाएं, सत्य को समझ पाएं, और जिससे हम ध्यान के बारे में भी समझ सकें। किसी दूसरे से उम्मीद या आकांक्षा आपको हमेशा दुख देगी। हो सकता है एक दो बार के लिए आपको सुख मिले, आपको कोई फायदा मिले, लेकिन बाद में वो चीज आपको दुख ही देगी, क्योंकि जब आदमी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आपके दिल पर आघात पहुंचता है। इसीलिए अगर उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो, अपने परिवार वालों से भी कोई उम्मीद मत रखो, अपने बेटे से, अपने पिता से कोई उम्मीद मत रखो। बिना उम्मीद के उनसे प्रेम करो, बिना आकांक्षा के उनके साथ रहो। उसके बाद खुद से उम्मीद करो, खुद से आकांक्षा करो कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप खुद से उम्मीद करेंगे तो ही आप अपने आनंद की तरफ यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या दूसरों को खुश करने से आपको खुशी मिलती है? शायद आप इसके जवाब में हाँ बोलेंगे। ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई, हम किसी को खुश करते हैं, हमारी वजह से कोई खुश होता है तो हमें भी आनंद मिलता है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, जब आप किसी को खुश करते हैं तो आप दूसरों के अधीन हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी आदमी को खुश करने के लिए आपको ये जानना होगा कि उस आदमी को खुशी किस चीज से मिलती है, और जब आप ये जान लेते हैं तो आप वही करने की कोशिश करते हैं जो चीज उस आदमी को खुशी देती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज उस आदमी को खुशी दे रही है उसको करने से मुझे खुशी नहीं मिलती, लेकिन उसे खुश करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। इसीलिए मुझे अपने जीवन के आदर्शों को ताव पर रखना पड़ता है, और कई बार उन आदर्शों का उल्लंघन भी हो जाता है। किसी को खुश करिए, खुश करना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने आदर्शों और अपने मूल्यों को ताव पर रखकर नहीं। जैसे कि किसी मित्र ने हमें कोई भोज का निमंत्रण भेजा है, हम वहां पर जाते हैं, लेकिन साथ में वो हमें मदिरा और धूम्रपान भी करने के लिए कहता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, लेकिन उसको खुश करने के लिए हम वो काम भी कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा मन अशांत होता है, शांति खो जाती है। अगर आपका मन मदिरापान करने का नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप दूसरे को खुश करने के लिए वही काम करें जिससे वो खुश होगा। भाई, मैं मदिरापान करूंगा उससे आपको खुशी मिलेगी, इस बात का क्या संबंध है? इसीलिए अज्ञानता के अंधेरे से बाहर आएं, समझें, देखें, विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, आपको सब कुछ खुद ही स्पष्ट नजर आने लगेगा। मेरा काम आपको शिक्षा देना नहीं है, कोई प्रवचन देना नहीं है, बल्कि आपका विवेक जगाना है। और जिस दिन आपका विवेक जाग गया, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद के गुरु स्वयं होंगे, और उसके बाद आपको कोई धोखा, कोई फरेब नहीं दे पाएगा। और अगर अज्ञानता से बाहर आना है
तो एक छोटी सी प्रक्रिया हमेशा करते रहिए, अपनी श्वास के प्रति, अपनी सांसों के प्रति सचेत रहिए। अगर सांस छोटी जा रही है तो हम जान रहे हैं कि सांस छोटी है, और अगर सांस लंबी जा रही है तो हम जान रहे हैं कि सांस लंबी है, और वो सांस नाक के कौन से कोने से टकराकर बाहर आ रही है, इसके बारे में भी हमें सचेत होना होगा। इस क्रिया को कुछ भी काम करते वक्त अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद आप ज्ञान को धीरे धीरे हासिल करने लगेंगे, आपका अज्ञानता का अंधकार विलीन होता चला जाएगा, उसके बाद आप ध्यान की गहराइयों में जा पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।